एक गिलास चावल और दो चम्मच घी से रेस्टोरेंट और होटलों में मिलने वाली महंगी डिश। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक गिलास बासमती राइस को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे और पैन में दो चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने जमा हुआ देसी घी लिया है, आप चाहे तो मेल्टेड घी भी ले सकते हैं। पैन में दो चम्मच घी डालकर हम इसे हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। आप पैन की जगह कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, हम इसे पैन में फैला लेंगे और अब हम इसमें 10 से 15 काजू डालेंगे। यहाँ मैंने गोटा काजू का यूज़ किया है, आप चाहे तो टुकड़ा करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे काजू को हम घी में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, काजू हमारे फ्राई हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। और चलिए अब हम काजू को प्लेट में निकाल लेंगे। काजू को फ्राई करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो काजू हमारे कड़वे हो सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश डालकर किशमिश को भी हम घी में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। किशमिश डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है किशमिश तो आप इसे डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। किशमिश भी अच्छी तरह घी में फ्राई हो गए हैं और अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। बचे हुए घी में हम खड़े गरम मसाले डालेंगे और यहाँ मैंने दो इलायची, तीन टुकड़े दालचीनी के, एक फूल चक्री, 4 से 5 लौंग और एक चम्मच शाहजीरा लिया है। सभी को हम घी में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। दो तेज़पत्ता भी डालेंगे, एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। स्लाइसेस में कटे हुए हम दो प्याज डालेंगे। लंबे टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालकर हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे सभी इंग्रेडिएंट को चलाते हुए प्याज को भी हम लाइट ब्राउन कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और ये देखिए, प्याज में बहुत ही अच्छा डार्क ब्राउन कलर आ गया है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है या भूनना है। और अब हम थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी प्याज को पैन में ही रहने देंगे। और अब हम पैन में चावल डालेंगे। यहाँ मैंने चावल को 15 मिनट पहले ही भिगो दिया था। चावल डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पैन में सभी इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे या 1 से 1.5 मिनट के लिए हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। चावल को घी में सभी इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह मिलाने से चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छी तरह भून लिया है और अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 गिलास चावल लिया था, इसलिए हम इसमें 2 गिलास नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे। पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी में चावल को अच्छी तरह मिला लेंगे। चावल हमारा अच्छी तरह पके, इसलिए यहाँ मैंने पैन से कढ़ाई में चावल को ट्रांसफ़र कर लिया है और हम इसे कढ़ाई में अच्छी तरह पकने देंगे। चावल में स्वाद अनुसार या 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे भी अच्छी तरह चावल में मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और चावल में उबाल आने देंगे। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए किशमिश डालेंगे और अब हम चावल में फ्राई किए हुए काजू डालेंगे।
कटा हुआ एक हरी मिर्च डालेंगे। चावल में उबाल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसे ढककर गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए घी राइस हमारे बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। और चलिए अब हम घी राइस को सर्व कर लेते हैं। आप भी इसी तरह घी राइस अपने घर पे ज़रूर बनाएं और आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए घी राइस को यहाँ मैंने इसे घी राइस को हम फ्राई किए हुए प्याज और फ्राई किए हुए काजू के साथ सर्व करेंगे। डेली वाले चावल से अगर आप बोर हो गए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे दाल तड़का, पनीर या आप किसी भी सब्जी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। और आपको अगर बच्चों के टिफ़िन में भी देना है तो आप इसे इजीली बना के दे सकते हैं। ये खाने में बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा।